है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। उसमें फोर टाइप्स थे, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, ठीक है। चारों के एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। देखो इस प्रोग्राम में हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। मेन फंक्शन के ऊपर में हम लोग ने डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया void print name, क्या बनाया void print name, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं दिया है और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिया है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सेम सिग्नेचर हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने लोग क्या लिखा यहाँ पे, void print name, सेम एज इट इज जैसा लिखा है वैसे ही उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे n कैपिटल है तो यहाँ, सॉरी यहाँ n कैपिटल है तो यहाँ भी n कैपिटल ही होगा सेम, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंट साई कॉलेज, ठीक है। एक ही लाइन हम लोग वहां पे प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन दे दिए, यहाँ पे कोई भी हम लोग वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल हम लोग कहाँ पे करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर में, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, फंक्शन नेम से हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रिंट नेम और उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट और लगा देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। बस इतना लिखने से ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब रन कैसे होता है ये, ठीक है। कभी भी अपना सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से, कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। मेन फंक्शन से यहां से स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट नेम कॉल हुआ है, जैसे ही प्रिंट नेम एग्जीक्यूट होगा उसका कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, इस फंक्शन के पास में, फंक्शन के पास में क्या, यहाँ पे जितनी लाइंस लिखी होंगी सारी के सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी लाइन लिखी हुई है, अभी एक ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो हेलो प्रिंट हो चुका था, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा, साई कॉलेज, ठीक है। एक ही लाइन था, फिर वापस कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। और void main का अगला वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, आया समझ में। तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, हेलो साई कॉलेज, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल टू में हम लोग ने क्या किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन को डिक्लेयर किया void sum, यहाँ पे भी कोई भी रिटर्न टाइप हमने नहीं दिया है और कोई भी आर्गुमेंट्स भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, मेन लिख लिया है, मेन पे हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे इसका डेफिनेशन, ठीक है। जैसा हम लोग ने डिक्लेरेशन के टाइम पे लिखा था सेम हम लोग वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, दो वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है वेरिएबल हम लोग सिर्फ मेन में बना सकते हैं, हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा तो किस टाइप का वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल। और ये इंट ए और बी सिर्फ और सिर्फ void sum में ही एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाहर वो एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो वेरिएबल बना लिया, वो लोकल वेरिएबल है, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, printf enter two numbers, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट किया। फिर scanf से हम लोग ने दो नंबर इनपुट ले लिया, ठीक है, एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी लगा के, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दोनों का सम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे,
क्या प्रिंट कर रहे हैं, सम, ठीक है, दोनों को ऐड करके हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया इस फंक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग दो वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं फंक्शन कॉल पे। फंक्शन कॉल कहाँ पे होता है, मेन फंक्शन के अंदर में होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर में आ गए, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट किया गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ सम को कॉल किए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट्स दिए हैं कि हम लोग नहीं दिए? ठीक है, यहाँ कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे फालतू का हम लोग दे नहीं देंगे। ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो नहीं देंगे। आया समझ में? ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। कहाँ से रन होगा, मेन फंक्शन से रन होगा। ठीक है, मेन फंक्शन सबसे पहले रन होगा, सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और क्या प्रिंट करेगा, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या कॉल हुआ है, हमारा फंक्शन कॉल हुआ है सम। ठीक है, कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस सम के पास आएगा। कंट्रोल यहाँ आने से पहले इसका डिक्लेरेशन चेक करेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या बताएगा, एरर। ठीक है, अगर हुआ है तो सीधा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और उसके अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन क्या प्रिंट करेगा, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, एंटर टू नंबर्स प्रिंट किया, हम लोग ने दो नंबर को एंटर किया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 10 और 24। ठीक है, 10 और 24 को हम लोग ने एंटर कर दिया, तो 10 प्लस 24 कितना होगा, 34। तो क्या प्रिंट करेगा, द सम इज 34। ठीक है, समझ में आया, और वापस कंट्रोल कहाँ पे चल जाएगा, फिर से यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट लाइन होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, तो नेक्स्ट लाइन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम खत्म। आया समझ में? ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, लिखना है इसको। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या किया, लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोग ने देखा था अभी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हम लोग ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया। ठीक है, इंट सम, रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन पे। हम लोग लिखे इंट सम। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, और सबसे पहले दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, इंट ए और बी। ठीक है, फिर एक मैसेज प्रिंट किया हम लोग, एंटर टू नंबर्स। फिर उसके बाद स्कैनएफ लगा के हम लोग दो नंबर को इनपुट ले लिए। ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग, रिटर्न ए प्लस बी। हम लोग प्रिंटएफ लगा के यहीं पे प्रिंट किए थे लास्ट प्रोग्राम में। हम लोग ने क्या किया, अब इसको रिटर्न किया है। ठीक है, तो दो नंबर यहाँ पे जो भी हम लोग डालेंगे, ठीक है, उसको ऐड करेगा, और वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन कॉल को रिटर्न करेगा। आया समझ में? ठीक है, ये समझ में आया डेफिनेशन कि नहीं आया, नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो नंबर को, सॉरी, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, अब इन्हीं दो वेरिएबल में हम लोग दो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, कैसे इनपुट लेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर लिए, एंटर टू नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद स्कैनएफ लगा के हम लोग इनपुट ले लिए। इतना समझ में आया? अब दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दोनों नंबर को हम लोग को ऐड करना है। ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम लोग उसको रिटर्न कर दिए, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करेगा, मान लो दोनों में 10 10 वैल्यू है। ठीक है, ए में 10 है और बी में 10 है, तो ऐड करने के बाद क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20 वैल्यू रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन कॉल को रिटर्न करेगा। ठीक है, किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन कॉल को रिटर्न करेगा। अब फंक्शन कॉल कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन पे, मेन फंक्शन पे। ठीक
है, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने एक लाइन प्रिंट किया गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन, ठीक है, हमने लिखा सम और ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ये सम कॉल होगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों में हमने इनपुट लिया और यहाँ पे दोनों वैल्यू को ऐड किया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न यहाँ से किए तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा, फंक्शन कॉल को रिटर्न करेगा। तो यहाँ सम में एक वैल्यू हम लोग को मिलेगी, ठीक है, सम में एक वैल्यू हम लोग को मिलेगी। अब इस वैल्यू को हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा किसी वेरिएबल पे। अब उसके लिए हम लोग ने क्या बना लिया है, यहाँ पे रिजल्ट हमने एक बना लिया है, ठीक है। अब उसी रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस जो वैल्यू रिटर्न करके मिलेगी उसको असाइन कर देंगे, क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां से ए प्लस बी से जो वैल्यू आई वो किसमें अब स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, वैल्यू यहां से रिटर्न हुई, ठीक है, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगी, ये सम जो है एक वैल्यू हम लोग को रिटर्न करेगा, और वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आया और क्या प्रिंट किया, एंटर टू नंबर, ठीक है, हमने डाला 10 और 24, ठीक है। फिर दोनों को सम किया और रिटर्न किया, ठीक है, रिटर्न करने के बाद किस में वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी, और रिजल्ट को प्रिंट किए, तो रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिलेगा द सम इज 34, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पे लिख लेते हैं द सम इज 34, ठीक है, आया समझ में।